देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ भगवान अयप्पा का जिस प्रकार से लोगों भगवान अयप्पा के प्रति लोगों की श्रद्धा है, और भगवान अयप्पा लाखों करोड़ों जो सनातन धर्मी हैं, जो मान्यता है वो उनके वो आराध्य हैं, उनके वो उनकी पूजन करते हैं, उनके प्रति समर्पित लोग हैं, और इस तरह से भगवान अयप्पा के प्रति कोई टिप्पणी करता है नकारात्मक, तो ये बात ठीक नहीं है। लोगों की भावना आहत होती है। तेलंगाना में जिस प्रकार से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और तमिलनाडु और हर जगह कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है अहंकार में हो करके, उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए, उनको उन भगवान अयप्पा के जो भक्त हैं उनसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा और आराधना से ही सुख और शांति होती है। किसी को भी अधिकार नहीं है, ना ही संवैधानिक, ना ही किसी भी तरीके से कि कोई किसी की भावना को आहत करे। इसलिए मैं खुद भी बहुत व्यथित हूँ कि भगवान अयप्पा के प्रति जो गलत टिप्पणी लोग करने वाले हैं, उनके खिलाफ सरकार को भी कोई ना कोई ठोस कदम उठाने चाहिए कि दोबारा कोई इसकी पुनरावृत्ति न करे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।